हे हेलो गाइस, ये है हरियल और इसको हम येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी कह सकते हैं। ये मेरे को ट्री के नीचे मिला था, तो अभी हम इसको फीडिंग करा के देखते हैं। ये अभी भूखा है, देख सकते हो आप, ये बोल भी रहा है, नींद भी आ रही है इसको, साउंड भी सुन सकते हो आप इसकी। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, उससे पहले हम इसको फीडिंग करा के देखते हैं कि क्या रहता है इसका, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देख सकते हो आप, इसे भूखा भी है ये, और इसको फीडिंग कराना बिल्कुल ही आसान है। इतना बड़ा है कि इसको फीडिंग हम आराम से करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके मॉम डैड जो है वो इनको मेनली फ्रूट वगैरह ही खिलाते हैं और ग्रेन भी खाते हैं, ये मीट बिल्कुल भी नहीं खाते, ये हर्बीवोरस ही है मेनली। ये हमको पीपल के पेड़ पे या फिर बरगद के पेड़ पे मिलेंगे, और ज़्यादातर इनका बरगद का पेड़ ही फेवरेट होता है। उनके ऊपर जो रेड रेड कलर की फ्रूट लगी होती है वो खाते हैं, वो इनकी बहुत फेवरेट है। मेरे को नेम तो नहीं पता, आप ज़रूर इनका नेम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या नेम है उनका, ठीक है। अभी मैं इनको ये खिला रहा हूँ, देख सकते हो आप, ये है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को आप प्लीज़ इनको स्लाइस में काट लेना, ताकि इनको खाने में आसानी हो और डाइजेस्ट आराम से हो जाएगा इनको, ठीक है। और कम ऑन यार, किवी नेम रखा है मैंने इसका, बाकी इसको छोड़ के आऊँगा मैं इनके नेस्ट में। मिल गया मेरे को इनका नेस्ट कहाँ पे है, तो येलो फुटेड ग्रीन पीजन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हो। ये जितना बड़ा होगा उतना ब्यूटीफुल बनता जाएगा, इसमें इतनी जवानी आएगी मस्त वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी हम इसको खिला पिला के देखते हैं कैसा रहता है इसका। भूखा जरूर है ये, हम इसको ये खिला के देखते हैं। इधर तो ये देख सकते हो आप, मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको छोटा सा और कट कर लो ताकि इसको परेशानी ना हो, इसमें खाने पीने में आगे डाइजेस्ट सही हो जाएगा, ये देखो। और इसकी मम्मी जो है वो दो एग देती है, और वाइट कलर के एग देती हैं, अभी बिल्कुल ही वाइट कलर के होते हैं। और इनका ब्रीडिंग सीजन मार्च टू अप्रैल होता है, और इनके नेस्ट के बनने के 5 से 7 दिन के बाद ये एग ले करते हैं, और 15 से 17 दिन में ये एग को इनक्यूबेट करते हैं, जिसमें से फिर बच्चे निकलते हैं क्यूट क्यूट। और अभी मेरे को ये मिला है, तो छोड़ छोड़, इसके नाखून देखो इतने चुबा रखे हैं इसने मेरे, छोड़। साउंड सुनो अब इसकी आप, 1 मिनट 1 मिनट, बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, देख सकते हो। कम ऑन यार, रुक जा, मेरे को ये छोड़ पहले, पहले ये छोड़ अभी, हाँ ठीक है। और पिजन की दूसरी स्पीसीज ही आप इन्हें मान सकते हो, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन। इनको ग्रेन भी खिला सकते हो, देखो मैं आपको ग्रेन दिखाता हूँ, ग्रेन ये आप इनको खिला सकते हो, ये खा लेंगे। दाल है ये, मूंग की दाल भी खा सकता है, और कुछ भी मतलब आप इन्हें खिला सकते हो उबाल के या फिर पानी में भिगो के। पानी में आप 1 डेढ़ घंटे तक इनको भिगो के फिर आप इनको आसानी से खिला सकते हो। ज़्यादा फीडिंग मत कराना, दिन में 4 5 6 बार तो करानी पड़ेगी, 2 2 घंटे के बाद, और क्योंकि इनका ये ग्रोथ फेज है, तो ये अभी इनकी लाइफ ही ऐसी है कि इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इस टाइम, तो अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इनको 6 7 बार फीडिंग करानी होती है, और ये खुद ही मांग लेंगे आपसे। लेकिन ज़्यादा इनको मत खिलाना, क्योंकि ज़्यादा खिलाने से दिक्कत हो जाएगी, कम खिला देना बेशक, ज़्यादा मत खिलाना। इनकी लाइफ स्पैन बताऊँ तो मैं आपको, 10 to 12 ईयर है, और मैंने ये किसी यूट्यूबर से पूछा था जिसने इसको पेट बना रखा था, तो गूगल पे तो ऐसा कुछ लिख नहीं रखा था, वो गूगल की मैं
ज़्यादातर बातें झूठ भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बर्ड के बारे में कुछ बातें झूठ भी है, चेंज होते रहते हैं यार। तो अभी वाटरमेलन और खिला के देख सकते हैं। और ये फ्रूट ज़्यादा खाते हैं तो बरगद वाले जो होते हैं ना, वो रेड कलर के, उनका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नेम बता देना, मेरे को पता नहीं है। और देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। अभी हम इसको छोड़ के भी आएंगे, 12 डेज का है ये कीवी। मस्त है। ओ बोल के दिखा दे बस लास्ट टाइम। कीवी 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 अच्छा चलो ठीक है। और ये लैंड पे बहुत ही कम उतरते हैं, बहुत कम लैंड पे, तो क्योंकि ये फ्रूट ही खाते हैं तो ऊपर ही इनका सिस्टम होता है, मतलब ट्री पे ही खाते हैं पीते हैं, ग्रेन भी कम ही खाते हैं इतने, लेकिन फ्रूट तो बहुत ज़्यादा लवर है हाँ तो फ्रूट के अभी हम लवर तो इसको है इसके ही। नेस्ट में छोड़ के आएंगे और इसको बहुत मज़ा आएगा अपने मॉम डैड को देख के। तो अभी आप इसकी साउंड भी सुन सकते हो कितनी मस्त है दोबारा से, और जैसे जैसे बड़ा होगा उतना ही बढ़िया बनता जाएगा और उसकी साउंड भी बहुत मस्त बनती जाएगी। और अगर आपको येलो फुटेड ग्रीन पिजन अच्छा लगता हो तो आप इसकी क्यूट क्यूट वीडियो देख सकते हो अपने चैनल पे, शॉर्ट में डाली हुई है मैंने, और भी बर्ड्स एंड एनिमल की डाली हुई है वो भी देख सकते हो आप। एंड तो फाइनली गाइस प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन। ओके बाय, थैंक यू।